सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि मैं एक लड़की होकर मैकेनिक हूं। मेरे शोहर की वर्कशॉप, बल्कि वो वर्कशॉप भी मैंने ही उसे बना कर दी थी। हम दोनों मिलकर वर्कशॉप पर काम करते थे और हमारी पूरे इलाके में एक नाम था। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ अक्सर खराब रहती थी। मेरा शोहर सुबह सुबह वर्कशॉप चलाता था। मेरा शोहर सुबह सुबह वर्कशॉप चला जाता, जबकि मैं घर का कामकाज करके अपने बेटे को स्कूल भेजकर फिर जाती, और जाते ही गैराज में खड़ी गाड़ियों का एक जायजा लेती। मुझे गाड़ियों में शुरू से बहुत दिलचस्पी थी और एक वक्त में एक मशहूर रेसर थी मैं। लेकिन आज मैं एक गुमनाम इलाके में एक पुरसकून जिंदगी बसर कर रही थी। और ऐसा क्यों था? इसके पीछे भी एक लंबी वजह थी। जैसे ही मैं गैराज में गई, वहां खड़ी एक लंबी गाड़ी और चमचम करती गाड़ी ने मेरी तवज्जो अपनी जानब खींच ली। मुझे एहसास हुआ था कि मैंने वो गाड़ी पहले कहीं देखी है। मैंने अपने शोहर से पूछा कि उबैद, ये गाड़ी किसकी है? उसने जवाब दिया, खान साहब की है। खान साहब हमारा पुराना कस्टमर था, जो अपनी हर गाड़ी हमसे ही ठीक करवाता था, अपनी गाड़ियों की सर्विस हमसे करवाता था। लेकिन पहले मैंने कभी इसके पास ये गाड़ी नहीं देखी थी। मैंने पूरी गाड़ी को हाथ से छुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी मैं भी ऐसी गाड़ियों की मालिक थी, लेकिन अब खैर कोई नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरा शौहर, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया ही हमारी जन्नत थी। आज वर्कशॉप पर काम ज़्यादा था, हमने एक दो मुलाजिम भी रखे हुए थे। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं खान साहब को गाड़ी देकर आता हूँ, तुम ज़रा ध्यान रखना। लेकिन मैंने अपने शौहर से कहा कि आज गाड़ी मैं देकर आती हूँ। जाने क्यों, आज मेरा दिल मुझे कुछ इशारा कर रहा था, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। मेरे शोहर ने मुझे चाबी दे दी, क्योंकि वो जानता था कि मैं बाकी लड़कियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। इसीलिए उसने मुझे चाबी दी और मैं गाड़ी में बैठी और जन से गाड़ी भगा कर ले गई। ये पहाड़ी इलाका था, अक्सर कई जगहों पर सिग्नल बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अभी मैं वर्कशॉप से थोड़ा ही दूर आई थी, जब अचानक मुझे कॉल आ गई। मैंने देखा तो मेरे बेटे के स्कूल से कॉल थी, लेकिन उसकी टीचर कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन फिर सिग्नल चले गए और मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं मोबाइल उठाकर जरा दूर आई कि सिग्नल आ जाए, लेकिन फिर टीचर का नंबर नहीं मिल सका और मैं वापस गाड़ी में जा बैठी। अब मैं सोच ही रही थी कि अपने बेटे को लेने स्कूल जाऊं, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार था। मैं परेशान हो रही थी कि सुबह तो वो बिल्कुल ठीक गया था, अब उसे क्या हो गया? मैं गाड़ी में बैठी उसे स्टार्ट करने लगी। अभी वो चली ही थी कि अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर कुछ रखा और कहा कि जिधर मैं कहता हूं उधर गाड़ी घुमा लो। मेरे तो जैसे सांस खुश्क हो गए। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो एक शख्स स्याह मास्क मुंह पर लगाए मुझे घूर रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए। जाने ये शख्स कौन था और कब मेरी गाड़ी में सवार हुआ? कौन हो तुम? मैंने डरते डरते पूछा। मेरी बात सुनकर वो दबे लहजे में गुर्राया, जो मैं कहता हूं वो करो, वरना सारी गोलियां खोपड़ी में उतार दूंगा। और मुझे उसके कहने पर गाड़ी का रुख मोड़ना पड़ा। ये एक सुनसान रास्ता था। अब मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं गाड़ी रोक कर बाहर निकली, यकीनन वो तब गाड़ी में सवार हुआ था, क्योंकि मैं गाड़ी को लॉक करना भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरा बेटा स्कूल में बीमार था, मुझे उसे लेने जाना था। इस वक्त मैं जिस गाड़ी में थी ये किसी और की थी, मुझे वापस लौटानी थी। और अब ये शख्स, मुझे लगा शायद कोई चोर है और मुझसे गाड़ी छीनना चाहता है। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे मेरे बेटे के स्कूल जाना है, वो बीमार है। लेकिन उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया और मुझे समझ आ गई कि अब मुझे चुप ही रहना चाहिए। जाने कब तक गाड़ी चलती रही और फिर एक फार्म हाउस के सामने जाकर रुक गई। पीछे बैठे शख्स ने कहा कि अपने हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर किया और उसने मेरे हाथ बांध दिए। उसके बाद उसने बाहर उतर कर गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे लेकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। मैं चाहती तो भाग जाती, लेकिन मैं भाग सकती नहीं थी, क्योंकि मैं उस आदमी के निशाने पर थी। मुझे अंदर ले आया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन कमरा बड़ा खूबसूरत और साफ सुथरा था। अभी मेरी आफियत इसी में थी कि मैं चुप रहती और यहां से निकलने का प्लान सोचती। कमरे में वॉशरूम था और वहां भी कोई रोशनदान नहीं था। मेरे हाथ तो बंधे थे पर पांव खुले थे, और हाथ भी पीछे की जाने बंधे थे, खोल भी नहीं सकती थी। वो आदमी बाहर से दरवाजा लॉक करके चला गया। कमरे से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी, और वो मेरा मोबाइल भी ले गया। अब मुझे रोना आ रहा था। मेरा बेटा बीमार था और मैं उसके पास नहीं थी। जाने वो किस हालत में होगा और जाने उसकी तबीयत ठीक भी होगी या नहीं।
मैंने अपने हाथ खोलने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। और फिर जाने कितना वक्त गुजर गया, मैं अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही और मैं अब समझ गई थी कि वो आदमी कोई चोर नहीं था बल्कि वो मुझे अगवा करके लाया था। पर उससे मेरी क्या दुश्मनी थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो रात को वापस आया, उसने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ में खाना था। मैं उसे देखते ही चिल्लाई कि तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों किया है, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसके पास जाना है। उसने खामोशी से खाना लाकर बेड पर रखा और फिर मोबाइल निकाला और इसमें एक वीडियो लगाकर मेरे सामने रख दी। और जैसे ही मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। स्क्रीन पर मेरे बेटे का चेहरा नजर आ रहा था, जो कि रो रहा था और कभी मुझे तो कभी अपने बाबा को बुला रहा था कि मुझे आकर बचाओ। उसे देखते ही मैं तड़प उठी, जहन जहन मेरे बच्चे, छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं रोने लग गई थी, उन्होंने मेरे बेटे को भी अगवा कर लिया था, वो बीमार था, उसे मेरी जरूरत थी। और जाने ये कौन लोग थे जो हम माँ बेटे को अलग कर रहे थे। मुझे रोता देखकर वो आदमी बोला कि अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो भागने का सोचना भी मत। मैं हाथ खोल रहा हूँ, खामोशी से खाना खाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करती रहो। अब मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती थी और मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। इन जालिमों के कब्जे में मेरी जान थी, मेरा बेटा जो फूलों से भी नाजुक था, उसके साथ ही मुझे अपने शौहर का ख्याल भी आ रहा था जो पागलों की तरह हमें ढूंढता फिर रहा था। या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल डाल दी है मुझ पर। मैं तड़प उठी थी, मुझसे उसकी हालत में देखा नहीं जा रहा था और इस हालत में खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाना था। पर फिर भी मैंने दो नवाले लगाए ताकि मैं अपने बेटे से मिल सकूं। मुझे खाना देने के बाद वो आदमी कमरे से चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सारी रात उसका इंतज़ार करती रही और रोती रही, लेकिन वो नहीं आया। मेरे जहन से मेरे बेटे का ख्याल जा ही नहीं रहा था। जाने किस टाइम रोते रोते मेरी आंख लग गई और ख्वाब में भी मुझे अपना बेटा रोता हुआ ही नजर आया। उसकी हालत बुरी थी और वो मामा मामा करके मुझे पुकार रहा था। मैं तड़प कर उठ बैठी, शायद फजर का वक्त था। मैं उठी, उठकर वुजू किया और नमाज पढ़ी और फिर सिद के दिल से अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआएं करने लगी। और फिर कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। उस आदमी को देखते ही मैंने मिन्नत की कि खुदा का वास्ता मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि चलो हमें निकलना है, और उसकी बात सुनकर मैं तेजी से उसके साथ चल पड़ी। बाहर अभी भी वही गाड़ी खड़ी थी कि मैं वापस जिसे करने जा रही थी। उसने मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दिया और फिर तकरीबन घंटे का सफर तय करने के बाद वो मुझे जाने की जगह पर ले आया। और जब मेरी आंखें खोली तो हर तरफ टैंकर ही टैंकर नजर आ रहे थे। और फिर जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा, उसने मेरी रूह को लर्जा दिया। सामने मेरा बेटा रस्सियों से बंधा लटका था। मैंने दिल दहला देने वाली चीख मारी और अपने बेटे की तरफ भागना चाहा, पर वहां खड़े आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक टैंकर से बांध दिया। मैं तड़प कर अपने बेटे को आवाजें देने लगी, जैन जैन मेरे बच्चे आंखें खोलो। पर शायद वो बेहोश था, उससे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो हमसे, क्यों बांध कर रखा है हमें यहां, मैं गुस्से से चिल्लाई। अपने बेटे की यह हालत देखकर मेरा दिमाग घूम गया, ये सब मैंने किया है। और फिर एक आवाज उभरी, उसके साथ ही एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा, मेरे मुंह से बेख्तियार फिसला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें दोबारा देख रही थी जिनसे मैं 5 साल पहले सारे रिश्ते तोड़ आई थी। हाँ, मैं एक आम आदमी की बेटी नहीं थी बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिसे महंगी गाड़ियों का शौक था और मैं अपने वक्त की मशहूर रेसर थी। मेरे कहने से पहले मेरा बाप मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करता था। उसके लाड प्यार ने मुझे जिद्दी और खुदसर बना दिया था। और फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब मैं अपने बाप से किसी बात पर जिद करके घर से निकली थी और मैं जानबूझकर अपनी गाड़ी दरख्त में दे मारी थी। और मुझे उबैद मिला, वो आम सा गरीब आदमी था जो एक मैकेनिक था, लेकिन उसने मुझे और मेरी गाड़ी को संभाला। मुझे अस्पताल लेकर गया और जब तक मुझे होश नहीं आ गया वो अस्पताल में रहा। मुझे उसकी सादगी पसंद आ गई और फिर जाने कब मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसने मेरी बिल्कुल पहले जैसी तबीयत ठीक कर दी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत के सामने वो हार गया। लेकिन मेरे बाप को ये मंजूर न था, वो हमारी शादी के लिए ना माने। मैंने सारे हथियार इस्तेमाल किए और फिर मुझे अपने बाप को छोड़ना पड़ा। हम शहर छोड़कर चले गए, मैंने और उबैद ने कोर्ट मैरिज कर ली और हमें लगा था कि हम मेरे बाप की हदूद से बाहर निकल आए हैं।
लेकिन उन्होंने हमें ढूंढ लिया और अब उन्हें अपने सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। अपने बेटे की एक दिन की जुदाई बर्दाश्त ना हुई तुमसे, और मुझे तुम 5 साल पहले ऐसे छोड़ आई थी, तुम्हें जरा मेरा एहसास नहीं हुआ, वो सर्द लहजे में कह रहे थे। लेकिन मैं जानती थी मेरे बाप की आंखों में इस वक्त पानी था जिन्हें वो छुपाए हुए थे। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ था कि मैंने अपनी मोहब्बत में अंधी होकर कितना बड़ा गलत कदम उठाया था, कि अपने बाप को छोड़ दिया जिसने मुझे दुनिया की हर आसाइश दी थी। वो कितना तड़पे होंगे मेरे लिए जितना मैं अब अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। लेकिन उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि अगर आप इस वक्त मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेते तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता, और खुदा का वास्ता है आप गड़े मुर्दों को मत उखाड़े, मेरे बच्चे को छोड़ दें, वो ठीक नहीं है, मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैंने मिन्नत की क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बाप बहुत सख्त था, वो किसी की जान की परवाह नहीं करता था। बेटे की जान प्यारी है तो मेरी शर्त माननी होगी, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। मैं फौरन बोली, मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। और फिर तभी दो आदमी मेरे शोहर को पकड़ कर अंदर लाए, वो जख्मी हालत में था, यकीनन उसे मारा गया था। बेटी की जान प्यारी है तो अपने शोहर से तलाक लेनी होगी और हमेशा के लिए मेरे साथ चलना होगा। कितना सख्त बाप था ना वो, उनकी बेटी उनके सामने तड़प रही थी लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं था। मैं उन्हें बेयकीन नजरों से देखती रही, तभी उन्होंने मेरे सामने खुला के कागज रखे, मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा शोहर भी भीगी आंखों से देख रहा था, उसे भी अपने बेटे की जान बहुत प्यारी थी। क्या मोहब्बत का अंजाम यही होता है? अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, ना मैं अपनी मोहब्बत छोड़ सकती थी ना अपना बेटा, और वो शख्स जो मेरा बाप था वो अपनी झूठी अना और जिद पर अड़ा हुआ था। उससे पहले कि मैं कागजात पर साइन करती तभी जैन ने मुझे पुकारा, मामा। वो होश में आ गया था और मैं तड़प उठी, उसे दमे की बीमारी थी, उसका सांस बंद हो चुका था। उसकी हालत देखकर मैं और मेरा शोहर मेरे बाप के कदमों में गिर गए कि खुदा का वास्ता हमें जाने दें, प्लीज पापा मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है, हमें जाने दें। मैं हाथ जोड़े अपने बाप से भीख मांग रही थी, आप भी तो बाप हैं, आपको भी पता है कि औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। मैं अपनी तमाम गलतियों की आपसे माफी मांगती हूँ, आइंदा आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस हमें अभी जैन को अस्पताल लेकर जाना है, वो ठीक नहीं है। और फिर शायद मेरे बाप को मुझ पर तरस आ गया, आखिर वो भी तो औलाद का दुख जानता था। जैन को नीचे उतारा गया और हम उसे अस्पताल ले गए, वहां से दाखिल कर लिया गया। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि जैन के कुछ टेस्ट होंगे, वो बहुत कमजोर हो चुका था। और फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें जो खबर सुनाई उसे सुनकर मैं और मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर टूट गए। जैन के दिल में सुराख था, उसकी जिंदगी खतरे में थी। डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करना चाहते थे पर उन्होंने 25 लाख मांगा था, जबकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। हम तो अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे और उसी में खुश थे। मेरे शोहर ने यह खबर सुनकर मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अभी सभी जानने वालों और दोस्तों को फोन किया लेकिन 2 लाख ही मिल सका। हमारे पास टाइम बहुत कम था जबकि पैसे न होने के बराबर थे। हमें अपने बेटे की जान बहुत प्यारी थी और फिर हम इसी गम में एक दूसरे के साथ लगे रो रहे थे। जब अस्पताल में मेरे बाप ने अपने कदम जमाए, उन्हें बहुत से डॉक्टर्स जानते थे, सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन की रकम मैं दूंगा, जल्द से जल्द बच्चे को ऑपरेशन किया जाए। मैंने उनसे रकम लेने से इनकार कर दिया। इस पर वो बोले कि मैं उधार दे रहा हूं, वापस कर देना, और मैं रो पड़ी। मैं बेसाख्ता उनके सीने से लग गई। इस वक्त वो मेरे दुख को समझ चुके थे और फिर वो भी पिघल गए। कोई भी माँ बाप इतना जालिम नहीं होता, हाँ अलबत्त वो वक्ती अना और जिद में अक्सर औलाद को दुखी कर देता है, पर इससे भी ज्यादा गलत मेरे जैसी लड़कियां करती हैं जो माँ बाप के प्यार और इज्जत को ठोकर मार कर चली जाती हैं। और अल्लाह ने आज मुझे मेरे बेटे के जरिए इस आजमाइश में डालकर सबक सिखाया था कि माँ बाप को कितना दुख होता है जब उनकी औलाद उनसे दूर हो या औलाद को कोई दुख हो। मैंने अपने बाप से सच्चे दिल से माफी मांगी, मेरे शोहर ने भी उससे माफी मांगी और उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। वो भी दरअसल हमारी मोहब्बत को देख चुके थे और वो इतने जालिम भी नहीं थे कि हमारे बेटे को हमसे अलग करते। अगले दिन जैन को ऑपरेशन हो गया और अल्लाह के करम से कामयाब ठहरा था। मेरे तो खुशी से आंसू ही नहीं थम रहे थे कि एक तो मुझे मेरा बाप मिल गया और दूसरा मेरे बेटे की जान बच गई थी। मैं, मेरा शौहर और मेरा बेटा, हम पापा के साथ आकर उनके साथ रहने लगे। मेरे शौहर ने उनका गाड़ियों का शोरूम संभाल लिया था जबकि वो खुद जैन के साथ बहुत खुश थे।
जैन की शक्ल में उन्हें एक बार फिर से मेरा बचपन देखने को मिल गया था। बेशक अल्लाह रहम करने वाला है जिसने हमें मुश्किल के बाद आसानी अता की थी।